फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना के लगातार केस बढ़ते चले जा रहे हैं, 55 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से अब स्थिति आ गई है यूपी में 55 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है, मार्केट ऑफिस को बंद रखा गया है, गल्ला मंडी व्यवसायिक स्थल भी बंद रखे गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सारिका हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। सारिका, 55 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है, जिस तरीके से कानपुर की अगर बात की जाए, क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही? देखिए, कानपुर में भी चूंकि कोरोना के संक्रमितों की मरीज संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, और कल जैसा देखने को आया था कि 130 मरीज एकदम से आए थे और लगभग यहां पर एक्टिव केसेस भी 900 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उसके अलावा जो 2200 का आंकड़ा है वो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पार हो चुका है, और इसी लिहाज से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन शुरू हो गया है। कानपुर की तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हालांकि लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, लोग रोजाना की तरीके अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने वाहनों पर सवार हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे वो फोर व्हीलर हो, लोग अपने बाहर घरों से बाहर निकले हुए हैं। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बिल्कुल नहीं है। इस वक्त हम VIP रोड चौराहे पर खड़े हुए हैं। ये एक ऐसा चौराहा है यहाँ जहाँ से जो सड़क है, यहाँ से जितने भी VIP हैं वो निकलते हैं। लगभग 10-12 चौराहे हैं इस रोड पर, लेकिन वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई सख्ती नहीं है और ना ही कोई पुलिस प्रशासन मौजूद है जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाए। जिस तरीके से कानपुर में 130 कल केस आए थे, टेस्टिंग की बात की जाए तो उस पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आपको बता दें कि टेस्टिंग के बाद जरूर कही गई थी कि यहाँ पर जो जांचें हो रही हैं वो कम हो रही हैं और उनको बढ़ाया जाए, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य महकमा है उसने ये जो आंकड़े थे उनको बढ़ाने के लिए जो जांचें थी उनकी संख्या में इजाफा कर दिया था। काफी संख्या में यहाँ पर जांचें हो रही हैं और उसी का कारण है कि यहाँ पर जो कोरोना पॉजिटिव जो आंकड़े हैं वो भी लगातार बढ़ते हुए सामने नजर आ रहे हैं। 100 का आंकड़ा रोजाना पार हो रहा है यहाँ पर कानपुर शहर में, और इसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमे में एक हलचल सी भी मची हुई है, क्योंकि कोरोना के इतने ज्यादा केसेस आ चुके हैं जितनी यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे में तैयारियां नहीं करी गई थी। जो बेड है वो भी कम हो गए हैं। हालांकि जो यहाँ का प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन, वो जो है प्राइवेट अस्पतालों से गुहार लगा रहा है कि जो मरीज है जो अपनी सेल्फ खर्चा कर सकते हैं वो प्राइवेट संस्थानों पर चले जाए, अस्पतालों पर, वहां से अपना उपचार करवाए। सरकारी में सिर्फ वही लोग रहे जो अपना उपचार नहीं करा सकते। कानपुर की स्थिति बेहद चिंताजनक है, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, और अगर बात की जाए प्रशासन की तो यहाँ पर प्रशासन भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार लोग लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। 55 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए सारिका। तो 55 घंटे का लॉकडाउन रखा गया था कानपुर में, यूपी में जिस तरीके से रखा गया, अगर कानपुर की बात की जाए तो वहां पर लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही लॉकडाउन की और लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही, तो जो एक परेशानी का सबब भी बनता चला जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए KNews India। नमस्कार।